बहुत दफ़ा विजिट किया जी, जब भी मुल्तान में आता था तो इस एकेडमी का, ज़वारी एकेडमी में काफ़ी दफ़ा मैंने आके यहाँ पे लड़कों को प्रैक्टिस करते हुए देखा, मैचेस भी उनके कुछ देखे, कोचों से भी मुलाकात होती रहती थी, बच्चों से भी मिलता था। और मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे कभी मौका मिले, टाइम हुआ तो मैं यहाँ पर आके इन बच्चों के साथ काम करूँगा, इनकी कोचिंग करूँगा। और ऐसा हुआ है कि अभी ऐसा चांस एक बना है कि आई एम हेयर टू कोच द किड्स एट ज़वारी एकेडमी। और फैसिलिटीज़ की अगर बात करते हैं तो टॉप नॉच आपको नज़र आती है कि सिर्फ इनके पास नेट्स नहीं है बल्कि बस प्रॉपर ग्राउंड है, रेगुलर मैचेस भी ये खेलते हैं। और अगर नेट्स की भी बात करते हैं तो टफ पिचेस, जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, उन्होंने देखा है कि बहुत ज़्यादा जो मैं प्रैक्टिस पिचेस नज़र आती हैं वो कंक्रीट की नज़र आती है, लेकिन यहाँ पे 3 से 4 इनके पास टफ पिचेस हैं, उसके साथ साथ थ्रो डाउन के लिए नेट्स बने हुए हैं, तो कंप्लीट एक सेटअप आप इसमें कह सकते हैं। और बाकी टैलेंट तो इस खत्ते में वैसे ही काफ़ी ज़्यादा है, और जो पिछले चंद सालों में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा लड़के उभर के यहाँ से आ रहे हैं, साउथ रीजन से, स्पेशली मुल्तान से भी। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो भी लॉट है हमारे पास, कुछ लड़के ऑलरेडी इसमें से, अगर आप एकेडमी के बच्चे देखते हैं तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में नज़र आते हैं, कुछ अभी गए हुए भी हैं, लेकिन जितने भी रिमेनिंग बच्चे हैं छोटे भी हैं उसमें, सीनियर भी है, तो ग्रुप्स भी बने हुए हैं, अंडर 13 भी है, 16 भी है, 19 भी है और सीनियर का भी है। तो उनकी हम कोशिश करेंगे कि इस कैंप के दौरान ग्रुप वाइज उनकी कोचिंग की जाए, उनको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंट करें जाके अपने रीजन में यहाँ के बच्चे।